नमस्कार, मैं हूं अर्चित। आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। जैसा कि अयोध्या राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के परिवार वालों ने पत्रकार विनीत नारायण, आरएसएस कार्यकर्ता अलका लाहोटी और विनीत नारायण के सहयोगी रजनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सूत्रों के अनुसार इन लोगों पर धार्मिक सौहार्द खराब करने और जालसाजी और 16 अन्य कठोर कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनके छोटे भाई संजय बंसल की शिकायत पर 19 जून की शाम 5 बजे एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि संजय बंसल को वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण की 17 जून की फेसबुक पोस्ट पढ़कर अत्यंत खेद हुआ है, जिसमें षड्यंत्र रचकर झूठ और अनर्गल बातें लिखी हैं। इस पोस्ट से चंपत राय और उनके परिवार के सम्मान को गहरा आघात हुआ है। उन्होंने विनीत नारायण के सहयोगी रजनीश पर फोन पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। संजय बंसल का दावा है कि इस पोस्ट से हिंदू समाज के करोड़ों लोगों के सम्मान को गहरा आघात पहुंचा है और इस तरह की पोस्ट से समाज में अशांति उत्पन्न होने की प्रबल आशंका रहती है। आइए जानते हैं कि आखिर फेसबुक पोस्ट में क्या था आरोप। दरअसल 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को संबोधित करते हुए विनीत नारायण ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी कि उनके मुताबिक आरएसएस कार्यकर्ता अलका लाहोटी से उनकी बातचीत हुई थी, जिसमें लाहोटी ने उन्हें बताया था कि उनके पिता द्वारा नगीना बिजनौर में स्थापित श्री कृष्ण गौशाले की 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर कई सालों से कब्जा है। इस बातचीत का हवाला देते हुए पोस्ट में विनीत नारायण ने चंपत राय पर अपने गृह नगर नगीना बिजनौर में श्री कृष्ण गौशाले की 20,000 वर्ग मीटर 1.050 हेक्टेयर जमीन पर अपने भाइयों से कब्जा करवाकर उस पर अवैध डिग्री कॉलेज बनवाने और उसे रेहुलखंड विश्वविद्यालय से मान्यता दिलवाने का आरोप लगाया था। अपने पोस्ट में इस 20,000 वर्ग मीटर जमीन की कीमत विनीत नारायण ने लगभग 50 करोड़ रुपए बताई थी। पत्रकार ने जब चंपत राय से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं इन बातों पर बयान नहीं दे रहा हूं, मुझे इन मुद्दों में दिलचस्पी नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या गौशाले की जमीन का विवाद क्या है। दरअसल अलका लाहोटी बिजनौर जिले की नगीना के निवासी हैं और नगीना स्थित श्री कृष्ण गौशाला की अध्यक्ष हैं। वो एक एनआरआई हैं जो इंडोनेशिया के सीमा रंग में रहती हैं। उनके मुताबिक वो एक फ्रेंच कंपनी में प्रोडक्ट्स मैनेजर के तौर पर काम करती हैं, लेकिन 2015 में अपने पिता वीरेंद्र कुमार लाहोटी के गुजर जाने के बाद उनके द्वारा स्थापित श्री कृष्ण गौशाला को संभालने के लिए अलका वापस नगीने लौटी हैं। इसी के दौरान अपने ट्विटर प्रोफाइल में लाहोटी ने लिखा है कि वह एक एनआरआई महिला है जो बिजनौर के नगीना में श्री कृष्ण गौशाला को भू माफिया के चंगुल से छुड़ाने का काम भी कर रही हैं। वह स्वयं को आरएसएस के गौसेवा में कार्यरत और मेरठ की प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख भी बताती हैं। पत्रकार को अलका लाहोटी से मिले दस्तावेजों में दावा किया गया है कि संतोष कुमार अग्रवाल ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर गौशाला की जमीन हथिया ली है और इन फर्जी दस्तावेज के सहारे रुहेलखंड विश्वविद्यालय से मान्यता हासिल कर ली है और गौशाला की जमीन पर कृष्ण गोपाल महाविद्यालय स्थापित कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार चंपत राय का इस पूरे मामले से क्या लेना देना है और विनीत नारायण ने अपनी फेसबुक पोस्ट में अलका लाहोटी से फोन पर हुई बात का हवाला देते हुए चंपत राय पर उनके भाइयों से गौशाला की जमीन हड़पवाने और आरोप आखिर क्यों लगाया है। दर्ज हुई एफआईआर पर जब पत्रकार विनीत नारायण से बात की गई तो उनका कहना था कि मुझे पता चला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक समर्पित कार्यकर्ता जो गौरक्षा के उनके काम में मेरठ प्रांत की पदाधिकारी भी हैं, जो इंडोनेशिया में अपनी नौकरी छोड़कर अपने पिताजी द्वारा स्थापित गौशाला चलाने के लिए नगीना बिजनौर में आई हैं। उनको संघ और भाजपा की सरकार में ही राहत नहीं मिल रही है। उनके सार्वजनिक गौशाले हैं और गौशाला पर चंपत राय के भाई बंधु ने अवैध कब्जा कर डिग्री कॉलेज बना रखा है, ये अलका लाहोटी ने मुझे बताया और इसके समर्थन में मुझे डॉक्यूमेंट भेजे हैं।
जब इसके विषय में पूछा गया कि इसका प्रमाण क्या है, तो विनीत नारायण ने कहा है, जब मेरी अलका से पूरी बातचीत हुई है तब मैंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है। उस बातचीत के आधार पर मैंने फेसबुक पर पूरी बात लिखी और मैंने लिखा है कि अलका बताती है कि उन्होंने छत्तरपुर के सम्मेलन में ये 3 सवाल पूछे थे चंपत राय से, और वहां और भी कार्यकर्ता खड़े थे। पहला सवाल ये था कि क्या आपके भाई बंधु हैं या नहीं। दूसरा, खुद उन्होंने चंपत राय ने बताया कि मैंने लिखकर रेहुलखंड विश्वविद्यालय को इस कॉलेज को मान्यता देने की सिफारिश की थी। और तीसरा प्रश्न ये था कि अगर उन्होंने सिफारिश लिखकर दी थी तो अब गलती हो गई तो आप विड्रॉ कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस विड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे कुनबे के लोग हैं। ये स्टेटमेंट अलका का है जो मैंने हूबहू कोट किया हुआ है। जब कृष्ण गोपाल डिग्री कॉलेज के प्रबंधक संस्थापक संतोष कुमार अग्रवाल से उनके चंपत राय से तालुकात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका चंपत राय और उनके परिवार वालों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उनके परिवार वालों ने FIR दर्ज कराई है। मुझे इतना मालूम है कि इसमें चंपत राय का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उन्हें बेमतलब घसीटा गया है और उन पर इल्जाम लगाए गए हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने पोस्ट वायरल किया है उनकी जांच करे। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल ट्रस्ट के सचिव हैं। हाल ही में ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण के लिए जमीन के सौदे में घोटाले के आरोप से घिरे हुए हैं। विपक्ष राय को 2 जमीन की खरीद के सौदे में घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उन पर आरोप है उन्होंने चंदे के पैसे से 26 करोड़ अधिक जमीन खरीदी है। इन दोनों जमीनों के एग्रीमेंट पर चंपत राय के दस्तखत हैं और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इन सौदों की CBI और ED जांच की मांग कर रही है।